नवाज शरीफ एवन फील्ड रेफरेंस में बरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा कल अदम करार दे दी। साबिक वजीर आजम के वकील ने कहा, कोई सबूत नहीं, प्रॉपर्टीज कभी नवाज शरीफ की मिल्कियत या तहवील में रही। अदालत ने मफरूजे पर सजा दी। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए। इस अदालत ने एक फैसला दिया, बेनामी के लिए चार मंदरजात का होना जरूरी है। चारों में से एक भी साबित नहीं होता तो वो बेनामी के जुमरे में नहीं आएगा। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब ने अपील वापस ले ली। नवाज शरीफ के खिलाफ दूसरा केस भी खत्म। अदालत से बरियत मिलने पर नवाज शरीफ कहते हैं, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने आज सुरखुरू किया है, मैंने मामलात अल्लाह पर छोड़े थे। सहाफी ने सवाल किया, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बस यही कुदरत का निजाम है। नवाज शरीफ का जवाब, लीगी कायद इस्लामाबाद से जाती उमरा पहुंच गए। मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया, वालिद को गले लगाकर मुबारकबाद दी। पार्टी कायद की बरियत पर मतवाले खुशी से निहाल, शहर शहर ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। खवातीन लीगी कारकुन भी खुश, वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगाए। जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो वो पूरी दुनिया के सामने इंसान को किस तरह सुरखरू करता है, ये उसकी एक मिसाल है। मरियम नवाज का ट्वीट। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल में कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने ये दिन दिखाया, मेरे कायद, बड़े भाई, पार्टी और खानदान को सुरखरू किया। कौम को कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की बरियत पर मुबारक हो। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। शहबाज शरीफ ने बयान दिया, मुझे साफ पानी के केस में बुलाया गया और आशियाना में गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे दौर में खानदान के अफराद का पौने 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ, मगर इन्होंने शुगर मिल्स को सब्सिडी नहीं दी। अदालत में हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत 12 दिसम्बर को होगी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ बोले, 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, किसी को इल्म नहीं था, तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। खातून जज को धमकी देने के केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरखास्त खारिज। आइंदा समाअत 20 दिसंबर को होगी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसम्बर तक तौसी। लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला को घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, बड़े ओहदों पर बैठे अफराद खुद को मुस्तस्ना करार नहीं दे सकते। निगरान वजीर दाखिला से 2 हफ्तों में मुकम्मल रिपोर्ट तलब। आइंदा समाअत 10 जनवरी को होगी। सरफराज बुगती अदालत में पेश हुए। कहा, मिसिंग पर्सन का मामला पब्लिक करना हुआ तो करेंगे। हुकूमत लापता अफराद के अहले खाना को बुलाकर बात करेगी। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नामजद। सेनेटर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहा है। साबिक वजीर आजम इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। बैरिस्टर गौहर का कहना है, पार्टी सरबरा ने चेयरमैन के लिए मेरे नाम की मंजूरी दी। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान के वफूद की अहम बैठक। एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक मुजवजा बिल नून लीग के हवाले कर दिया। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वादा किया है आइंदा पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। मुस्लिम लीग नून मजबूत बल्दियाती निजाम पर यकीन रखती है। फारूक सत्तार ने कहा, बल्दियाती निजाम को खुद कफील बा इख्तियार बनाने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत। हमने आज मिसाके जमहूरियत पर भी बात की। पीपल्स पार्टी का कोयटा में 96वां यौम-ए-तासीस कल होगा। अयूब स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में अवामी पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो कोयटा पहुंच गए। दोनों रहनुमा कल जियालों से खिताब करेंगे। बलोचिस्तान की मुख्तलिफ तंजीमों से मुलाकातें शेड्यूल। कोयटा साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुदूस बिजंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला।
सबक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं माजी में भी हमारे खिलाफ बहुत से इत्तेहाद बने, सिंध से क्लीन स्वीप करेंगे, अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो को सियासी मैदान में उतारने का फैसला, आइंदा इंतखाबात में टंडो अल्लाह यार की निशेस्त पर हिस्सा लेंगी। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो फरियाल तालपुर साबिका हलकों से ही इलेक्शन लड़ेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं चेयरमैन पीटीआई से उस वक्त बात होगी जब वो केसेस से बरी होंगे। पीटीआई वालों का 10 साल का प्रोजेक्ट नाकाम हो चुका, यासिफ अली जरदारी की मिन्नतें कर रहे थे, अदम एतमाद वापस ले लें, मुल्क में शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। शाजिया मरी बोली मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से बिलावल भुट्टो ही निकाल सकते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की कुवैत के नायब वजीर आजम से मुलाकात, दोनों ममालिक में 7 मुआहिदों पर दस्तखत। कुवैत अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर रजामंद, फूड सिक्योरिटी ज़राअत हाइडल पार्क और वाटर सप्लाईज के मंसूबे शामिल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का अक्वामे मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के इजलास में शिरकत के लिए कुवैत से दुबई पहुँच गए। सऊदी अरब का पाकिस्तान को एक और रिलीफ, 3 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी मजीद 1 साल के लिए मौखर कर दी। बरादर इस्लामी मुल्क ने 2021 में स्टेट बैंक को 3 अरब डॉलर डिपॉजिट की सूरत में दिए, वापसी की मुद्दत 5 दिसंबर को खत्म हो रही है। छोटे सरमायाकारों का मुनाफे के लिए दबाव, स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार, 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स कमी, 60,502 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता, 285 रुपए 39 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए पर मुस्तहकम। सोना 2,600 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 2,21,000 रुपए हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तार मुलजिमों के जिस्मानी रिमांड के लिए उसूल वजा कर दिए, मुलजिम का कमरा अदालत में होना जरूरी। पुलिस किसी मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अदालत पेश किए बगैर अपने पास नहीं रख सकती। 2 रुकनी बेंच का मंशा बम के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दायर दरख्वास्त में 15 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात पर आए सिख यात्रियों की गुरुद्वारा पंजा साहब और करतारपुर में मजहबी रसूमात की अदायगी। अमेरिका और कनाडा से आए सिख यात्रियों के वफ़द की पाक पतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई। और शफाफ नदियों, झीलों और बुलंदो बाला पहाड़ों की वादी, आबशारों से गिरते सफेद मोतियों ने जिला खरमंग की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। पतझड़ के मौसम में जमीन पर जर्द पत्तों के बिछौनों से चारों तरफ मंजर दिलकश।